दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो दो ग्रुप में बटे हुए हैं, जिसमें से एक ग्रुप को शिया कहा जाता है तो वहीं दूसरे ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप हमारी इस पूरी दुनिया की आबादी का 80% है तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान लगभग 20% है। अब जाहिर सी बात है कि जब सुन्नियों की इतनी ज़्यादा आबादी है तो हमारी इस दुनिया में जितने भी मुसलमानों के देश मौजूद हैं वो भी ज़्यादातर सुन्नी मुसलमानों के ही देश हैं। मगर दूसरी तरफ बात करूँ ईरान, इराक, यमन और इस जैसे कुछ देश शिया मुसलमानों के भी हैं। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूँ हमारे प्यारे देश भारत की, तो यहाँ पर जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 86 से 87% सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 13 से 14% ही शिया मुसलमान हैं। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन दोनों ही ग्रुप के अंदर एक दूसरे के बारे में ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां और अफवाहें पाई जाती हैं कि जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पर आम शिया लोग सुन्नी मुसलमानों के बारे में ऐसी बहुत सारी बातों को सुनकर यकीन रखते हैं कि जिन बातों को सुनकर न सिर्फ हंसी आती है बल्कि वो चीज़ लॉजिकली भी पॉजिटिव नहीं लगती है। ठीक इसी तरह से सुन्नी ग्रुप के आम लोगों के बीच में भी शिया मुसलमानों से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी अफवाहें नज़र आएंगी कि जिन पर वो लोग यकीन रखते हैं मगर उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं होता है, बल्कि वो तो सुनने में भी बड़ी फनी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अगर इन दोनों ग्रुप के बीच एक दूसरे के बारे में बहुत सारी अफवाहें और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन दोनों ग्रुप के बीच कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि फ़र्क नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क के साथ ही साथ यानी फ़र्क की वजह से ही इतिहास में ही ये दोनों ग्रुप अलग अलग हुए थे, वरना पहले तो कोई ग्रुप हुआ ही नहीं करता था। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो बुनियादी फ़र्क पाए जाते हैं उनमें एक सबसे बड़ा फ़र्क कलमे को लेकर भी है। जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जनाब अली अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के वसी हैं और आपके खलीफा बिला फसल हैं। यानी दोस्तों, शिया मुसलमानों के कलमे में हम लोगों को अल्लाह और रसूल के साथ साथ हजरत अली का भी जिक्र मिलेगा। मगर दोस्तों, याद रहे कि शिया मुसलमानों के कलमे का जो आखिरी पार्ट है जिसमें यह कहा गया है कि हजरत अली हुजूर के खलीफा हैं बिला फसल यानी किसी फासले के, तो इस पर शिया मुसलमानों के अलावा कोई भी एग्री नहीं करता है। वो इसलिए कि जहां एक तरफ शिया मुसलमान हुजूर के बाद हजरत अली को पहला खलीफा मानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हजरत अली से भी पहले तीन खलीफाओं को मानते हैं। यानी हुजूर के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, जबकि दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी और चौथे खलीफा हजरत अली थे। बात कर लें अब अगर कुरान के बारे में कि क्या शिया और सुन्नियों का कुरान अलग अलग होता है या फिर एक ही होता है, तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अरबिक के हिसाब से देखेंगे तो कुरान दोनों का एक ही है, मगर आप लोग अगर तर्जुमे को देखेंगे यानी ट्रांसलेशन को, तो उसकी तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो मामला पूरे तरीके से अलग ही दिखाई देगा। यानी एक आयत का तर्जुमा शिया मुसलमानों ने अलग तरीके से किया होगा और जबकि सुन्नी मुसलमानों ने अलग तरीके से कर रखा होगा। इवन तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन में ज्यादातर आयतों का कॉन्सेप्ट ही बदला हुआ नजर आएगा। बात कर लें अब अगर नमाज के बारे में, तो दोनों ही ग्रुप के अंदर ही एक दिन में 5 फर्ज नमाजों को अदा किया जाता है, मगर जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमान 5ों नमाजों को अलग अलग अदा करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को आपस में मिला लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इन सारी नमाजों को 3 वक्त में ही अदा कर लेते हैं। इसके अलावा रमजान के महीने में भी सुन्नी मुसलमानों में जो तरावी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसको सुन्नी मुसलमान बड़े ही शौक से पढ़ते हैं और क्योंकि वो साल भर बाद वापस आ रही होती है तो उसके आने से पहले कई दिन पहले से ही चर्चे करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें शिया मुसलमानों में नहीं पाई जाती हैं क्योंकि उनके यहाँ पर तरावी का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक ये एक ऐसी बिदत है कि जिसको सुन्नियों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने शुरू किया था। इसके अलावा इन दोनों ग्रुप के बीच एक बड़ा फ़र्क हज़रत इमाम मेहंदी को लेकर भी है।
इस बात पर तो पूरी दुनिया के ही मुसलमान तो यकीन रखते हैं कि दरअसल हजरत इमाम मेहंदी की जो आखिरी खलीफा होंगे वो कयामत से पहले जाहिर होंगे। हमारी दुनिया से जुल्म सितम, नाइंसाफी और इस तरह की हर गलत चीज़ों को मिटाकर रख देंगे। उसके बाद दुनिया में अमन कायम करेंगे और अपनी खिलाफत भी कायम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि हजरत इमाम मेहंदी कयामत से पहले पैदा होंगे, बाकायदा वो परवरिश पाएंगे और बड़े होंगे और फिर सही वक्त आने पर ही लोगों के सामने ऐसा इमाम मेहंदी यानी हजरत इमाम मेहंदी के तौर पर जाहिर होंगे और उसके बाद ही धीरे धीरे खिलाफत कायम करेंगे। मगर दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का ये मानना है कि कयामत के करीब के तौर पर हजरत इमाम मेहंदी पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो हमारी इस दुनिया में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। पिछले सैकड़ों सालों से वो हमारी इस दुनिया में ही मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आते हैं। वो एक गार के अंदर मौजूद हैं और सही वक्त आने पर सिर्फ और सिर्फ जाहिर होंगे, यानी पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर ही होंगे और उसके बाद ही दुनिया भर में अपनी खिलाफत को कायम करेंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नी ग्रुप के बीच एक बड़ा इख्तलाफ हजरत अली को लेकर भी पाया जाता है। शिया लोगों का ये मानना है कि हजरत अली शेर खुदा हुजूर के बाद बाकी जो नबी और रसूल हैं उनसे भी ज़्यादा अफजल हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान इस नज़रिए को और इस अकीदे को पूरे तरीके से रिजेक्ट करते हैं। सुन्नी मुसलमान हजरत अली शेर खुदा को दामाद रसूल और इस्लाम के चौथे खलीफा के तौर पर ही मानते हैं और मुहर्रम के मौके पर ही मातम करना भी शिया ग्रुप को सुन्नी ग्रुप से पूरे तरीके से अलग बनाता है, क्योंकि शिया मुसलमानों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में यानी करबला की जंग में अहले बैत के साथ जो हद से ज़्यादा नामुनासिब सलूक किया गया था उसकी याद में ही और उसके गम में ही वो लोग मातम मनाते हैं। दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी 10 मुहर्रम को मनाते हैं, अहले बैत को याद करते हैं, मगर उनके तरीके अलग होते हैं। तलाक का कॉन्सेप्ट भी इन दोनों ग्रुप में अलग अलग ही पाया जाता है। जिस तरह से सुन्नी मुसलमानों में निकाह के वक्त गवाहों का होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह से ही शिया लोगों में तलाक के वक्त भी गवाहों का होना ज़रूरी होता है, यानी शिया ग्रुप में गवाहों के बगैर तलाक नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में वापस तो नहीं जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए आने पर वीडियो को बनाने में काफी मेहनत दरकार होती है। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को सिर्फ इतनी सी ही रिक्वेस्ट है इसी तरह की कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को हमेशा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, YouTube चैनल वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए खुदा।